सरोज मिश्रा जी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, डायरेक्टर हैं फिल्मों के। सरोज जी, बहुत दुख भरी खबर दर्शकों के लिए कि गजोदर भैया अब हमारे बीच नहीं रहे। सर क्या कहेंगे? मैं कुछ अभी मुझे आधा घंटे पहले जब खबर मिली, हालांकि मैं दिल्ली पहुंच रहा था और जी बड़े नुकसान है कि मैं भी उसी क्षेत्र उन्हीं के पड़ोस का ही रहने वाला हूँ। राजाजीपुरम से मैं भी निकल कर गया था और मैंने बचपन में उनको देखा, जब मैंने स्टेज पे देखा उन्हें काम करते हुए, फिर उनके कैसेट मैंने सुने और एक समय ऐसा भी आया कि हम लोगों ने स्क्रीन भी शेयर किया, हमारी मुलाकातें हुई। और इधर लॉकडाउन के दौरान हमारा और प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लखनऊ में वो भी थे और मैं भी था, बहुत करीब थे हम लोग और उस परिवार से, घर से, हर व्यक्ति से हमारा अच्छा संबंध रहा है। और राजू भैया जैसा नेक दिल इंसान जो सबके लिए सहज अवेलेबल थे, किसी के लिए भी बहुत सरलता से उपलब्ध थे वो, और उनका इस तरह से जाना हमारी और देश की बहुत ही बड़ी क्षति है, कला जगत की बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन सरोज जी, बड़ी बात ये है कि जो मुकाम उन्होंने हासिल किया स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर, वो मुकाम हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था, बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल। बिल्कुल आसान नहीं था, वो भी 90 के दशक में जब हमारा इतना डिजिटल वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं रखता बनाया होगा, इसका भी चलता है कि का जो इतना भारी सफर रहा है, इतना बड़ा सफर और इतना उनका कामयाब सफर रहा है, एक मिसाल है और हम सब के लिए एक प्रेरणा है। और बस उनका असमय चला जाना एक हमारे लिए जो ऊर्जा थी हमारी, जैसा लगता है कि हमारी ऊर्जा खत्म हो गई। सरोज जी, आप शायद बेहतर समझा पाए कि वो दौर टिपिकल हीरो वाला दौर था जिसमें लीडिंग हीरोज रहते थे और हीरोज को लोग देखना पसंद करते थे, लेकिन इसी दौरान अगर एक नॉर्मल चेहरे वाले व्यक्ति ने शुरुआत की और लोग अगर आकर्षित हो जाए तो ये भी सरोज जी एक बड़ी बात होती थी उस वक्त की। जी, उनके साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था राजू भैया के साथ कि वो अपने अवध को कल्चर के लेके चलते थे। अवध का जो कल्चर था, जो छोटी छोटी जनमानस की बातें थी, आम इंसान था, जो शादी पार्टियां होती थी, जो गांव में छोटे छोटे लोगों को, वो लोगों को बहुत पसंद आती थी चीजें और यही वजह थी कि वो लोगों के दिलों में घर बनाते चले गए। क्योंकि खुद में भी वो एक वैसे ही साधारण थे, जैसा वो खुद लोगों को दिखाते थे, बताते थे, वैसे खुद भी थे, उनका व्यक्तित्व भी वैसा था और बहुत जमीन से जुड़े हुए थे। तो जमीन से जुड़ी हुई बड़ी छोटी छोटी बातें जो लोगों के सामने लेकर आते थे।